बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हमारे दिलात के साथ मैं हूँ गुलाम हुसैन उमरा और कॉटन के फील्ड के इंस्पेक्शन के लिए बेस्ट कॉटन के लिए निकला था। ये मैं आपको प्लांट दिखा रहा हूँ जो आजकल इशू है कॉटन में मौजूदा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू है। ये दिखाइएगा ज़रा क्लोज करके, ये वाला जो मसला आ रहा है, ठीक है जी, ये तेले की शिकायत है, सुस्तेला भी इसे कहते हैं। तो ये ओवरऑल फील्ड में नहीं है, ये चंद प्लांट पर है। और इसका जो हल है, आप फ्लोनिकामिड इसको स्प्रे कर सकते हैं 60 ग्राम के हिसाब से फी एकड़। आप डाइनोटिफ्रान करवा सकते हैं इसको, थायामिथॉक्सम और डाइनोटिफ्रान का मिक्सर है वो करवा सकते हैं। तो ये नाइटन पायरम की बजाय आप उन चीज़ों पे चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फ्लोनिकामिड सबसे बेहतर है इस स्टेज पर, क्योंकि वो किसी किस्म का पौधे के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता। तो यही दिखाना था आप लोगों को कि आजकल जो फील्ड में प्रॉब्लम है, अगर तो चंद पौधे हैं, ये मैंने जो फील्ड देखा है इसमें कुछ पौधे हैं बीमार, आप उनको उखाड़ के तल्फ कर दें और उम्मीद है कि आगे वो नहीं फैलेगा, क्योंकि मौसम इस तरह का बना हुआ था। अगर ज़्यादा है इसकी पॉपुलेशन, अगर इसकी कॉलोनी डेवलप हो चुकी है, वैसे तो इसका जो ETL है वो एक हो तो स्प्रे कर देना चाहिए भी पौधा, लेकिन अब क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। और ये पौधा देखें, ये बिल्कुल इसके पत्ते जो हैं वो ग्रोथ रुक चुकी है, ये छोटे पत्ते जो हैं ये देखें, तो ये सूरत हाल बन चुकी है। तो इसका जो हाल है वो यही है कि एज सून एज पॉसिबल आप जो क्या करना है कि इसको फ्लोनिकामिड का स्प्रे कर दें या डाइनोटिफ्रान का, डाइनोटिफ्रान प्लस थायामिथॉक्सम का मिक्सर जो है उसका स्प्रे कर दें। वो 100 ग्राम की डोज होगी, जो फ्लोनिकामिड है वो 50 ग्राम की डोज के साथ इसको स्प्रे करवाएँ। अल्लाह हाफिज़।